अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अय्यूब नेशनल प्रेसिडेंट पीस पार्टी के बारे में इस्माइल बाटलीवाला की रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट पेश किया जा रहा है, अगर डॉक्टर अय्यूब चाहें तो मुझे अदालत में घसीट सकते हैं। अगस्त 2012 को फेसबुक पर मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मशवरा शुरू किया गया और 6 महीना तक मशवरा जारी रहा। उस मशवरे में सारे लोग मुस्लिम इत्तेहाद के लिए रजामंद नजर आए। लोगों की राय के बाद हमने तय किया कि इत्तेहाद की कोशिश शुरू करना चाहिए, और 20 जनवरी 2013 को कासीमीरा जिला थाने महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम महाज के नाम से इत्तेहाद की पहली मीटिंग बुलाई गई, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया गया था। उस मीटिंग में करीब 40 लोग ने हिस्सा लिया, मगर पुलिस का बंदोबस्त बहुत ज्यादा था। 10 मार्च 2013 को भाईंदर जिला थाने महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम महाज के नाम से इत्तेहाद की दूसरी और बड़ी मीटिंग बुलाई गई। उसमें पीस पार्टी महाराष्ट्र को 1 महीना पहले से दावतनामा दिया गया था, मगर दावतनामा मंजूर करने के बाद भी पीस पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम महाज के नाम से इत्तेहाद की कोशिश शुरू किया गया, मगर एक बड़े लीडर ने दावा किया कि ये नाम हमारा है, इस नाम को इस्तेमाल करना बंद कर दो। इसलिए पॉलिटिकल यूनिटी कैंपेन के नाम से इत्तेहाद मुहिम की कोशिश शुरू की गई। हम लोग मिशन 2019 चला रहे थे, और उसी के लिए सभी को मिलना और उनके हाथ में इत्तेहाद लेटर देना, सभी के दरवाजे पर जाना रहा है। 17-18 सितंबर 2013 को दिल्ली में पीस पार्टी के दिल्ली प्रेसिडेंट से मुलाकात की कोशिश की गई, मगर मुलाकात नहीं हो पाई। 12 सितंबर और 23 सितंबर 2015 को मुंबई में इत्तेहाद की मीटिंग हुई, उसमें पीस पार्टी शामिल हुई। हमने दिसंबर 2015 में डॉक्टर अय्यूब से संपर्क किए और वक्त मांगा, तो एक ही बार में उन्होंने 12 जनवरी 2016 को मिलने का वक्त दे दिया। 12 जनवरी 2016 को लखनऊ में डॉक्टर अय्यूब के दरवाजे पर जाकर उनके हाथ में इत्तेहाद का दावत लेटर दिया गया, और उन्होंने बातचीत के लिए बहुत वक्त दिया और इत्तेहाद की कोशिश को बहुत सराहा भी, और साथ देने का वादा किया और बहुत बेहतर से मेजबानी किए। 12 जनवरी 2016 को डॉक्टर अय्यूब ने कहा कि बाटलीवाला साहब, 2019 तो बहुत दूर है, उसके पहले यूपी में 2017 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें इत्तेहाद की कोशिश करूं, और अगर इत्तेहाद की मीटिंग लखनऊ में बुलाते हो तो उसकी मेजबानी मैं करूंगा। फिर उसके बाद 17 जनवरी 2016 को अमान हॉस्पिटल जिला बस्ती
जाकर डॉक्टर अय्यूब से मिले और यूपी 2017 इलेक्शन पर चर्चा हुआ। उस पर हमने सोचा कि डॉक्टर अय्यूब यूपी के बड़े नेता हैं और वो चाहते हैं कि यूपी में इत्तेहाद हो जाए, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए। उसके बाद तय हुआ कि मीटिंग लखनऊ में डॉक्टर अय्यूब के घर पर होगी। हर मीटिंग को डॉक्टर अय्यूब की छुट्टी के दिन रखा गया और उनकी मंशा के मुताबिक ही मीटिंग की जगह तय की गई। हम चाहते थे कि यूपी में नेता की हैसियत से डॉक्टर अय्यूब को पेश किया जाए और उनकी अगुवाई में यूपी का चुनाव लड़ा जाए, मगर डॉक्टर अय्यूब और यूपी प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल मन्नान दोनों लोग हमारी बात से सहमत नहीं हुए। उन दोनों का कहना था कि हमको नेता ना बनाओ बल्कि प्रेसिडियम यानी कि सूरा बनाओ। 1 मई 2016 की पहली मीटिंग और 24 मई 2016 की दूसरी मीटिंग डॉक्टर अय्यूब साहब के घर पर हुई। डॉक्टर अय्यूब ने दोनों मीटिंग में खुद हाजिर रहे और बहुत बेहतर से मेजबानी किए और दोनों मीटिंग में 9 पार्टी शामिल रही और सभी ने प्रेसिडियम यानी कि सूरा बनाने की सहमति जताई थी। इत्तेहाद की कोशिश चल ही रही थी और उसी दौरान राज्यसभा की उम्मीदवार प्रीति महापात्रा, जो बीजेपी सपोर्टेड थी, डॉक्टर अय्यूब ने उनको सपोर्ट करने की नाकाम कोशिश की और इसके लिए सभी पार्टी में नाराजगी पाई गई और सभी लोग का कहना था कि जब सबको एकजुट करने की कोशिश हो रही है तो डॉक्टर अय्यूब ने अकेले कैसे फैसला लिया और बीजेपी सपोर्टेड उम्मीदवार को सपोर्ट करने कैसे चले गए। 19 जुलाई 2016 की मीटिंग जमात इस्लामी हिंद की लखनऊ ऑफिस में हुई और जमात इस्लामी यूपी ने बहुत बेहतर से मेजबानी की। 19 जुलाई की मीटिंग में पीस पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, अवामी विकास पार्टी, इंडियन नेशनल लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, परचम पार्टी ऑफ इंडिया, ये 9 पार्टी 19 जुलाई की मीटिंग में शामिल हुई। 19 जुलाई की मीटिंग में 5 नेशनल प्रेसिडेंट, 3 यूपी प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी हाजिर रहे। मीटिंग में तय हुआ कि इत्तेहाद फ्रंट मुस्लिम की पहचान कायम रखते हुए ओबीसी, एससी, एसटी और सभी पिछड़ी जाति की सियासी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश करेगा। 19 जुलाई की मीटिंग में सबकी सहमति से इत्तेहाद फ्रंट की बुनियाद डाली गई और फ्रंट उस लेटर पर आधारित था जो मुस्लिम लीडरशिप के हाथ में उनके दरवाजे पर जाकर दिया गया था। 19 जुलाई की मीटिंग में पीस पार्टी के यूपी प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल मन्नान पूरी मीटिंग में शामिल रहे और उनकी मौजूदगी में
सब कुछ तय हुआ था। 19 जुलाई की मीटिंग में डॉक्टर अयूब के मुताबिक ही तय हुई थी और उनका इंतजार होता रहा दिन भर, वो मीटिंग में नहीं आए। मगर मीटिंग खत्म होने के बाद डॉक्टर अयूब आए और आने के साथ गुस्से में आग बबूला हो गए और दिन भर में जो कुछ फैसले किए गए थे, जो तय हुए थे, उस पर पानी फेरने का काम डॉक्टर अयूब ने किया। 20 जुलाई की शाम इस्माइल बाटलीवाला को डॉक्टर अयूब का फोन आया और कहा कि हमारे घर पर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करना है। और चंद मिनट बाद जब इस्माइल बाटलीवाला उनके घर गए तो डॉक्टर अयूब खुद मौजूद नहीं थे। फिर डॉक्टर अयूब को उनके बेटे ने फोन किया और बताया तो अपने बेटे से कहा कि महान दल वाले केशव मौर्या के घर पर उनको ले आओ और वहां जाने के बाद कोई खास बातचीत नहीं हुई, बल्कि केशव मौर्या इत्तेहाद का मजाक उड़ाते रहे। 7 अगस्त 2016 को इस्माइल बाटलीवाला के मोबाइल पर डॉक्टर अयूब का मैसेज आया कि हम इत्तेहाद फ्रंट को नहीं जानते हैं और हम आगे किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। उस पर इस्माइल बाटलीवाला ने मिलकर बात करने का वक्त मांगा, मगर डॉक्टर अयूब ने मिलने और बात करने से इनकार कर दिया। 9 अगस्त लखनऊ में मीटिंग हुई। मुस्लिम लीग के यूपी प्रेसिडेंट डॉक्टर मतीन खान की मेजबानी में ये चौथी मीटिंग थी, उसमें भी डॉक्टर अयूब का कोई बंदा शामिल नहीं हुआ। कुछ दिन बाद महान दल और निसार पार्टी को लेकर डॉक्टर अयूब ने अपना अलग एक फ्रंट बना लिया और अपने आप को यूपी का मुख्यमंत्री भी जाहिर करवा लिया और तीनों पार्टी साथ मिलकर काम करने लगे। मगर थोड़े दिन बाद महान दल डॉक्टर अयूब को छोड़कर अलग हो गई। डॉक्टर अयूब की गुजारिश पर यूपी इलेक्शन के लिए जो इत्तेहाद फ्रंट 19 जुलाई को कायम किया गया था, उसी फ्रंट को छोड़कर वो खुद भाग गए। उसके बाद फ्रंट टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके जिम्मेदार डॉक्टर अयूब हैं। सभी को साथ लेकर अगर यूपी का इलेक्शन लड़ा जाता तो अच्छा होता, मुस्लिम वोट की अहमियत बची रहती और उनकी पार्टियों का ताकत भी बढ़ता और सरकार का हिस्सा बनते। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ और आज तक ऐसा होते नजर नहीं आ रहा। देश और कौम के लिए इत्तेहाद की हमारी कोशिश जारी रहेगी। वहां तक या तो पुरानी लीडरशिप थक कर इत्तेहाद कर ले या इस मुहिम के जरिए युवा पीढ़ी की नई लीडरशिप पैदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।